सब्जेक्टिव क्वेश्चंस शीट का आईआईटी जेईई 2003 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू मासेस M1 एंड M2 कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ L0। दो मासेस हैं, है ना, ऑफ मासेस M1 एंड M2, है ना, लाइट स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है L0, इज कंप्रेस्ड कंप्लीटली, इसे पूरा कंप्रेस किया गया एंड टाइड बाय अ स्ट्रिंग, है ना, ऐसे सोचो इसको कंप्रेस किया गया यहाँ पे, है ना, और इसको कंप्रेस करके इसको किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया गया, ठीक है। दिस सिस्टम व्हाइल मूविंग, है ना, विद अ वेलोसिटी V0 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये सिस्टम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, V0 से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पासिस थ्रू द ओरिजिन एट t = 0। t = 0 पे इसका पोजीशन क्या था, सेंटर ऑफ मास का, मैं बोल सकता हूं 0 था ना t = 0 पे। तो अगर लेट्स से हम कहे, अगर लेट्स से V0 स्पीड से जा रहा है तो किसी टाइम t पे इस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू V0 × t करके हो जाएगा। और क्योंकि यहां पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये इन दोनों के बीच लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो पूरे इस दोनों ब्लॉक को ना अगर एक सिस्टम ले लिया जाए तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो इस सिस्टम का ना लेट्स से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये V0 जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो किसी टाइम टी पे इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन होगा वो आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे लिखा है द सिस्टम, है ना, वाइल मूविंग विद V0 वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन एट t = 0, एट दिस पोजिशन स्ट्रिंग स्नैप्स, है ना, जब ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये स्ट्रिंग टूट गई, स्नैप कर गई, टूट गई। पोजिशन ऑफ M1 मास, इस M1 मास का पोजिशन, है ना, एट एनी टाइम टी, ये किस इक्वेशन से गिवन है, इज इक्वल टू V0 × t माइनस ए इंटू, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी करके, ना एक SHM करता हुआ दिखा रहा है, कैलकुलेट पोजिशन ऑफ पार्टिकल M2 एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो इस M2 का पोजिशन क्या होगा, तो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का अगर मैं बात करूं, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं M1X1 प्लस M2X2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है मेरे पास M1 प्लस M2। अब सेंटर ऑफ मास का लेट्स से ना इन टर्म्स ऑफ नॉन वेरिएबल्स V0 t के टर्म्स में लिख दिया, और X1 मुझे गिवन है इज इक्वल टू V0 t माइनस क्या पड़ा हुआ है, ए इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी करके प्लस M2 × X2। अब मुझे X2 ही तो निकालना है, ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, बस M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन गया M1 × V0 t प्लस M2 × V0 t इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आया M1 × V0 t माइनस M1 × A × 1 माइनस क्या पड़ा हुआ है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है M2 × X2। यहाँ पे देख रहा हूँ M1 V0 t कैंसल हुआ, मुझे X2 चाहिए, तो ये यहाँ पे M2 × X2 इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये है M2 × V0 t माइनस M1, है ना, ये माइनस वाला यहाँ आया तो प्लस M1 × A 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ से X2 आया मेरा पोजिशन, M2 से डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज V0 t प्लस M1 / M2 × A × क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो मेरा पोजिशन हो गया, है ना, इसका किसी टाइम टी पे, ना X2 वाले पार्टिकल का पोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये तो आया मेरा सेकेंड, मतलब हमें पूछा है पोजिशन ऑफ पार्टिकल M2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो ये आया V0 t प्लस M1 / M2 × A 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया, है ना। अब इसका अगला पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट यहाँ बोल रखा है फाइंड L0, ना जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेट्स L0 है ना, लेट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ L0 को आपको लिख के देना है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये L0 क्या होगा, है ना,
L naught का मतलब L naught को मैं लिख सकता हूं किसी टाइम t पे, इसका लेट्स से पोजीशन कहीं यहां पे होगा ना, अपने नेचुरल लेंथ से ये आगे x2 गया होगा और ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना गया होगा, x1 गया होगा। तो इस है ना, लेट्स से इस सिस्टम की अगर बात की जाए, ये m1 मास यहाँ आया होगा, ये m2 मास यहाँ आया होगा, अपने नेचुरल लेंथ से ये पार्टिकल्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ठीक है इन दोनों के बीच का, लेट्स से x2 minus x1, ये natural length L0 कब हो जाएगा, जब ये पूरा सिस्टम है ना किस पोजीशन पे होगा, इस सिस्टम पे कोई let's say force नहीं लग रहा होगा ना, उस केस में ये x2 minus x1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, L0 के बराबर हो जाएगी। मतलब जब ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा ना, हम जानते हैं मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल आता है, ये रहा ठीक है, तो मीन पोजीशन पे ये पार्टिकल किस पोजीशन पे होता है आपका, है ना, लेट्स से एवरेज पोजीशन होता है ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब इससे कुछ स्ट्रेचिंग होगा, इससे कुछ कंप्रेशन होगा, तो इसको आप नेचुरल लेंथ कहते हो। तो वैसे x2 minus x1 बराबर L0 करके अब लिखना है। अब इसको मुझे एम्पलीट्यूड के टर्म में बताना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये मीन पोजीशन के टाइम में ये x2 minus x1 मेरा क्या होगा, L0 होगा। मीन पोजीशन का मतलब क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन मीन्स नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मीन्स एक्सिलरेशन जीरो, दोनों का एक्सिलरेशन जीरो है ना, x1 का भी एक्सिलरेशन जीरो एज वेल एज x2 का भी हम क्या कहेंगे, एक्सिलरेशन जीरो ना। अब हमें करना क्या है, ये जो x2 आया है ना, तो यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो x2 आया है तो आप इससे लिखने जा रहे हैं x2 minus x1 is equal to L0, ठीक है, x2 ये रहा मेरे पास, that is V0 t plus क्या लिख देता हूँ, m1 by m2 into a into 1 minus cos of omega t minus x1, x1 मेरे पास ये रहा, तो V0 t ये बन गया plus a into क्या बन के आया, 1 minus क्या लिख सकता हूँ, cos of omega t is equal to L0, V0 t से V0 t cancel, दोनों में a into 1 minus cos omega t common आ गया, यहाँ बचा 1 plus m1 divided by क्या लिख सकते हैं m2, यहाँ पे पड़ा है 1 minus cos of omega t और ये आपका a into 1 minus cos omega t तो constant था ही, L0 करके आया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये कब होगा ना, जब नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका भी एक्सेलरेशन m1 का भी जीरो m2 का भी जीरो। अब x1 अगर पता है, लेट्स से किसी इंस्टेंट पे है ना m1 पार्टिकल का पोजीशन अगर मुझे पता है, तो इसका वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूँ, मुझे उस इंस्टेंट पे बात करना है, तो इस है ना यहाँ टाइम क्या टाइम पे होगा ये मुझे बात करना है, ये चीज x2 minus x1 किस टाइम पे होगी ये हम देखना चाहते हैं। तो वेलोसिटी इस पार्टिकल 1 का क्या लिख सकते हैं, dx1 डिवाइडेड बाय dt, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये तो कितना आ गया v0 आ गया, और यहाँ पे माइनस a, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर इस ओमेगा टी का ओमेगा आया, ये आया वी वन। अब एक्सेलरेशन वन का क्या हो जाएगा, इसको फिर डिफरेंशिएट करो, तो वी नॉट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, यहाँ पे आया माइनस ए, फिर क्या लिख सकते हैं, ये हो गया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी और फिर इसका ओमेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये आया है ना इसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं बात करना चाहता हूँ ये x2 minus x1 जो आपका L0 होगा ना, ये कब होगा, जब cos omega t है ना acceleration 0 हो जाए या cos omega t 0 हो जाए, तो cos omega t यहाँ पे अगर 0 किया जाए तो ये क्या आया, a 1 plus m1 divided by m2 into 1 is equal to L0, तो ये आया मेरा है ना इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड L0 इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो L0 का एम्पलीट्यूड के टर्म में और जो दो मासेस गिवन थे m1 और m2 उसके टर्म में हमने निकाल के दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थ्री करने जा रहे हैं, तो इसमें हम IIT JEE 2005 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मास m इज अंडरगोइंग SHM इन द वर्टिकल है ना डायरेक्शन अबाउट द मेन पोजीशन y0
है ना, विद एम्पलीट्यूड ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये कोई एक पार्टिकल है ना, इसका ये इसका क्या है मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन रहा, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस पे है, y नॉट डिस्टेंस पे है, y करके इसका मास है, मैं इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है मेरे पास a करके गिवन है, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसके मीन पोजीशन से सपोज है ना, ये इसका मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना था, अगर ये इसका नेचुरल लेंथ था तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन जो था वो कितना डिस्टेंस पे था, वो था वाई नॉट डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस से। ठीक है, तो एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द मीन पोजीशन मास डिटैचेस फ्रॉम द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है। हम जानते हैं मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और इस है ना ये कुछ डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे कुछ स्पीड होगा और इसका स्पीड कितना होगा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, मेन पोजीशन से, ये वेलोसिटी से, ये ब्लॉक क्या करता है अब फ्री फॉल करेगा ना, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से फ्री फॉल करेगा, कोई स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा नहीं, यहाँ पे नीचे इसकी तरफ क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लग रहा होगा। ठीक है, अब यहां लिखा है मास डिटैचेस फ्रॉम द स्प्रिंग अज्यूमिंग दैट द स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन ऑफ एम। ठीक है, अब स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा टूटने के बाद और इसके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा ना। फाइंड द डिस्टेंस वाई, ये वाई आपको डिस्टेंस निकाल के देना है मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजिशन है ना, यहाँ नेचुरल लेंथ से कोई लेना देना नहीं, इस y नॉट का कोई काम नहीं है, सच दैट हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक इज मैक्सिमम, सच दैट ये जो ब्लॉक हाइट अटेन करे है ना, ये हाइट क्या अटेन करे, मैक्सिमम अटेन करे। अब मैक्सिमम अटेन करने के लिए ये ब्लॉक है ना नीचे तो जाएगा नहीं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ ये जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेलोसिटी से जाएगा है ना, ताकि ये मैक्सिमम ऊपर वाली हाइट को क्या कर पाए, अटेन कर पाए। ठीक है, तो मीन पोजीशन से लेट से वाई डिस्टेंस ऊपर जाके ये अपना रिलीज होता है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट किसके बराबर हो जाएगी, इस हाइट को मैक्सिमाइज करना है तो ये हाइट हो जाएगी वाई प्लस, हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्पीड वी है, यहाँ पे स्पीड आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, और ये डिसेलरेट करेगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया जीरो, यू कितना है v square प्लस टू ए है माइनस जी, और s क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज इस डिस्टेंस को लिख सकता हूँ h। ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने लिख दिया, सपोज ये डिस्टेंस है आपका h, तो ये h कितना निकल के आएगा ना, तो यहाँ पे हमें h लिखना है, तो यहाँ देखिए ये h कितना आएगा मेरे पास, तो ये h आ गया, h इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v स्क्वायर बाय 2g, इसको यहां रख दीजिए, therefore h इज इक्वल टू y प्लस, यहाँ पे h की वैल्यू रखते हुए, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो ये h आया y प्लस, और ये हाइट आपको मैक्सिमम करनी है, इस हाइट को मैक्सिमम करना है फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, तो v स्क्वायर ये रहा मेरे पास, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब इस h को मैक्सिमाइज करना है, अब मैक्सिमम मिनिमम की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम h करने के लिए हम क्या जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया जाए किसके रेस्पेक्ट में, जो चीज वेरिएबल है, तो पूछा है किस y पे, तो यहाँ वेरिएबल y है, तो dh by dy को जीरो किया जाए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में, तो ये देखो dy dy ऑफ है ना, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 2g बाहर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dy dy ऑफ क्या लिख सकता हूँ है ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन के आया। अब इसको जीरो करता हूँ तो dy dy ऑफ y तो वन हो गया, प्लस यहाँ पे पड़ा है ओमेगा स्क्वायर बाय 2g और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, और इसका आया माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो,
टू से टू कैंसल, यहां से क्या आया ओमेगा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू वन, इसको वहां ले गए, ठीक है। यहां से आपका वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गया जी डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू जो आई है इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा है मैंने ना, ये y आया इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, इस y की वैल्यू के लिए ये हाइट मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तुमसे पूछा था फाइंड डिस्टेंस y कितना होगा ताकि ये मैक्सिमम हो जाए, तो ये वो हाइट आया ना g डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, और आपको एक कंडीशन गिवन है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू a जो है वो g से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एम्पलीट्यूड है ये g बाय ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है, और g बाय ओमेगा स्क्वायर y है। तो हम जानते हैं कि SHM में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोर्शन होगा वो किसी और डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस पोजीशन पे जाके ये पार्टिकल जो अपनी है ना हम बोल सकते हैं हाइट को मैक्सिमम अटेन करेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज है ना, 5B का डिस्कशन कंप्लीट होता है, और फिर मैं आपको वेव्स का शीट भेज रहा हूँ, उस शीट का एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करना है कल, ठीक है। और कल इसका डिस्कशन होगा वेव्स का एक्सरसाइज 1 का। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।